Hello students, how are you? I think all of you will be fine. So today in this video, we are going to learn about our NCERT book, Class 4, Subject Maths, Chapter 6, The Junk Seller, and page number 62. So let's move on. Now here you can see this is the page number 62 of your book. So first of all, tell me what is the name of the junk seller. Here you can see this is the junk seller. So tell me. Okay, I think you know about this. Now first of all, we can see the previous pages of the chapter to remember this. Now here you can see this is the junk seller. And the name is Kiran. Okay, तो यही वो junk seller है जिसका नाम किरण है. तो चलिए अब हम लोग अपने topic पर आते हैं जो कि page number 62 है. हम लोगों ने इसके पहले वाले video में किरण के बारे में काफी कुछ जाना है और अब हमें किरण और कुछ बताना चाहती है. People laughed and teached us about our work. They called it ganda kaam or dirty business. But I did not think so. I knew this idea would work. यहाँ पर किरण बताना चाहती है कि कुछ लोग उस पर हंसते हैं और उसे चिढ़ाते हैं उसके काम को लेकर, बट वो इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचती है, जबकि कुछ लोग उसे गंदा काम कहते हैं अर्थात डर्टी बिजनेस. इस प्रकार किरण कहना चाहती है कि मैं सिर्फ केवल अपना काम करती हूँ, और वो बताना चाहती है कि उसके पास इस काम से कितनी सारी चीजें रिसीव की हैं. नाउ वी हैव ए पक्का हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव ए फ्रिज, ए टीवी एंड ए गैस स्टोव. वो कह रही है कि मैंने इस बिजनेस से एक पक्का घर, इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें, और फ्रिज, टीवी और गैस स्टोव ले लिया है. माई हस्बैंड्स ब्रदर्स सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल. जैसा कि आप लोग पहले जान चुके हैं कि जब किरण की शादी हुई थी तब उनके हस्बैंड के ब्रदर और सिस्टर स्कूल नहीं जाते थे, जबकि आज उनके घर में सारी आवश्यकता की चीजें हैं और उनके भाई बहन तथा उसकी बच्ची भी स्कूल जाती है. आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं. यहाँ पर मैंने एक पिक के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे. यहाँ पर किरण कह रही है आई हैव 9 रिक्शाज ऑफ माई ओन. आई गिव द रिक्शाज ऑन रेंट ईच फॉर ₹20 ए डे. ऑन संडेज आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम. यहाँ पर आप लोग बुक में देख सकते हैं. यहाँ पर किरण बताना चाहती है कि आज उसके पास 9 रिक्शे हैं खुद के, जिन्हें वो रेंट पर देती है, और हर एक रिक्शे का उसे एक दिन का ₹20 मिलते हैं अर्थात ₹20 मिलते हैं, और इस प्रकार वो रिक्शों से भी पैसे कमाती है. और यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि वो संडे के दिन किसी भी प्रकार का पैसा उनसे नहीं लेती है. इस बात को आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं. किरण के पास 9 रिक्शे हैं. मैं यहाँ पर बना लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो
इस प्रकार आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सपोज कर लीजिए कि ये हमारा पहला रिक्शा है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां है, आठवां है और ये नवा नंबर का रिक्शा है। जब किरण इन रिक्शों को लोगों को एक दिन के लिए किराए पर देती है अर्थात रेंट पर देती है तो उसे 20 रुपए एक रिक्शे का मिलता है, अर्थात फर्स्ट रिक्शे का उसे 20 रुपीज मिलेगा। ये 20 रुपीज फर्स्ट रिक्शे का है, इसका है। ओके, इसके लिए हम यहां पर बना लेते हैं 20 रुपीज सेकेंड रिक्शे का और इसी प्रकार थर्ड रिक्शे का भी 20 रुपीज, फोर्थ रिक्शे का भी 20 रुपीज, फिफ्थ रिक्शे का भी 20 रुपीज, सिक्स्थ रिक्शे का भी 20 रुपीज, सेवेंथ भी 20 रुपीज, एट्थ का 20 रुपीज और लास्ट में नाइन्थ नंबर का भी 20 रुपीज। अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि उसे एक दिन में 9 रिक्शे से इतने सारे रुपए उसे मिलते हैं। तो चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसे एक दिन में इन 9 रिक्शों से कितने रुपए मिलते हैं। तो उम्मीद है कि अब आप लोग बड़ी ही आसानी से इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 20, 20, 20 और इन सबको ऐड करके हम एक दिन की अर्निंग को पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी बुक में क्वेश्चन क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी बुक है और यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन ए डे, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक दिन में किरण कितने रुपए कमाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किरण अर्न्स फ्रॉम 9 रिक्शाज इन ए डे। तो चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट रिक्शे से उसे एक दिन में 20 रुपीज मिलते हैं, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 20 प्लस सेकेंड से इसी प्रकार 20, थर्ड से भी 20, फोर्थ से भी 20, फ्रॉम फिफ्थ 20 एंड सिक्स्थ 20, सेवेंथ 20, एट्थ 20 एंड लास्ट नाइन्थ 20। ओके, तो देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हम 20 को 9 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें किरण की अर्निंग मिल जाएगी। तो चलिए इन्हें ऐड कर लेते हैं। जब हम लोग इन्हें ऐड करेंगे तो हमें 180 मिलेगा। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 180 कैसे लिख दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए कि 20, 20, 20 अर्थात सेम नंबर को कई बार ऐड किया जा रहा है। तो जब सेम नंबर को कई बार ऐड किया जाए तो हमें मल्टीप्लाई करके भी हम इसे निकाल सकते हैं। जैसे 20 को हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं, तो 9 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। इसके बारे में मैंने मल्टीप्लिकेशन के वीडियो में और डिटेल से बताया है, जो कि आप लोग देख चुके हैं। उसमें बताया गया है कि जब हम किसी नंबर को बार बार ऐड करते हैं तो हम बार बार ना ऐड करके उस नंबर को उतने ही टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो इस प्रकार जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 180 मिल जाएगा।
या फिर आप लोग इसे 9 टाइम ऐड करके भी इसे निकाल सकते हैं, उसमें भी आपको 180 ही मिलेगा। चलिए मैं इसे थोड़ा सा और बता देता हूँ। जब भी हमें किसी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना हो जिसमें जीरो हो, तो उस कंडीशन में हमें जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, सिंपली नंबर्स का मल्टीप्लाई करके जीरो को बढ़ा देना होता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 30 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि 3 और 5 को मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 15 मिलेगा। और अब इस जीरो को मैं यहाँ पर लिख दूंगा तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार और भी देख सकते हैं, सपोज कर लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1200 मल्टीप्लाई 4। ओके, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर 12 अर्थात नंबर को मल्टीप्लाई कराऊंगा दूसरे नंबर से, और यहाँ पर हमें मिलेगा 4 2 8 एंड 4 1 4। और अब हम इन दो लास्ट के जीरो को यहाँ पर बढ़ा देंगे इस तरह से। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोगों ने ये भी सीखा कि जीरो वाले नंबर्स को हम किस तरह आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो एक दिन की अर्निंग है किरण की, वो 180 रुपीज है। तो अब आप लोग जान चुके होंगे कि इसका आंसर कितना होगा, तो 180 रुपीज। ओके, एंड नेक्स्ट, फॉर वन रिक्शा सी गेट्स रुपीज 20 पर डे, उसे एक रिक्शे से एक दिन का 20 रुपए अर्थात 20 रुपीज मिलता है। सो फॉर 9 रिक्शाज सी विल अर्न रुपीज, वी कैन राइट हियर 9 मल्टीप्लाई 20, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 2 18 और लास्ट में जीरो को ऐड कर देंगे, इस तरह से हमारा आ जाएगा 180। नेक्स्ट, हाउ डिड यू डू इट, हाय आई विल डू इट लाइक दिस, 9 times 2 is 18, सो 9 times 20 is 180, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जब भी कभी हमें जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो जीरो को मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं, सिंपली नंबर का मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में होगा तो 18 मिलेगा और लास्ट में जीरो को ऐड कर देंगे तो 180 हमें मिल जाएगा। नाउ हियर यू कैन सी, बट आई फाइंड दिस इजियर फॉर 10 रिक्शाज सी विल गेट रुपीज 20 multiply by 10 इक्वल टू रुपीज 200, सो फॉर 9 रिक्शाज सी विल गेट रुपीज 200 minus। नाउ टेल मी व्हाट नंबर विल कम हियर, यस हियर विल बी 20। नाउ वी विल गेट 180। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 20 को 10 टाइम्स ऐड कर दिया गया जिससे हमें 200 मिल गया, जबकि रिक्शा हमारे पास कितने थे 9, और यहाँ पर रिक्शा कितने माने गए 10, तो एक एक्स्ट्रा मान लिया गया ना, तो उसको हम यहाँ पर कम कर देंगे। तो 20 को जैसे ही कम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 180, और यहाँ पर लास्ट में हम लोग रुपीज लिख लेंगे क्योंकि हम लोग रुपीज का कैलकुलेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है थिंक ऑफ सम अदर वेज टू डू इट, कह रहा है कि इसे सॉल्व करने के और दूसरे तरीके भी आप लोग ढूंढो और ट्राई करो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव नाइस डे।